जय जीवदानी, मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से रंगारंग साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। मैं इस सप्ताह में आप सबको नम्र निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है मैंने। और इस सप्ताह में तीन ग्रह बदलने वाले हैं, इसलिए इस सप्ताह को मैंने रंगारंग कहा। और इस सप्ताह में आपको मिलेगा मेरी ओर से राहु केतु का भी वीडियो। राहु बदल रहे हैं, राहु जा रहे हैं मीन राशि में, केतु प्रवेश कर रहे हैं कन्या राशि में। और हमारे एस्ट्रोलॉजर्स भाई बहनों ने इसकी बहुत चर्चा की है, लेकिन मैं आपको राहु केतु का एक अलग सा रंग रूप दिखाने के लिए इस वीडियो में तत्पर हूँ। और आप ज़रूर गौर फरमाइएगा राहु केतु के उस वीडियो पर। फिलहाल मैं चर्चा करूँगी इस साप्ताहिक राशि भविष्य की। सप्ताह का विवरण कुछ इस प्रकार है। 1 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक का साप्ताहिक राशि भविष्य है ये। 1 अक्टूबर को बुध कन्या राशि में उच्च के हो रहे हैं। रात्रि 8:38 के बाद तो बुध के उच्च होने का आठ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, विस्तृत वीडियो मैंने आपको प्रस्तुत किया है। शुक्र सिंह राशि में देर रात इसी दिन प्रवेश कर रहे हैं, तो उसका भी वीडियो आपको मिल चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है मैंने। और 1 अक्टूबर को चंद्रमा मेष में यानी कि राहु के साथ रहेंगे, तो आपको यहाँ पर चंद्र ग्रहण जैसा योग दिख सकता है। उसको आपको खबरदारी लेनी है। जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार करते हैं, उनको इस दिन जो है थोड़ा संभल के अपने पैसों को बाहर निकालना चाहिए। यही आलम 2 तारीख को भी रहेगा, रात्रि 9:14 के बाद तक। और उसके बाद उच्च के हो जाएंगे, चंद्रमा वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। इसी दिन संकट चौथ है, चंद्रोदय रात्रि 8:39 पर होंगे। जिन लोगों ने गणपति जी का ये व्रत रखा है संकट चौथ का, रात को वो व्रत खोल सकते हैं चंद्रमा देखकर। चतुर्थी श्राद्ध है इस दिन, भरणी श्राद्ध है, महात्मा गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आप सबको ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। आइए आगे चलती हूँ मैं। 3 तारीख को चंद्रमा उच्च के रहेंगे वृषभ राशि में और पंचमी का श्राद्ध रहेगा, मंगल तुला में प्रवेश कर जाएंगे। इसी दिन शाम को 5:58 पर मंगल के तुला में प्रवेश करने का वीडियो भी आपको दे चुकी हूँ मैं, और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ। 4 तारीख को भी चंद्रमा आपको उच्च के मिलेंगे रोहिणी नक्षत्र के साथ, वृषभ में चंद्रमा षष्ठी श्राद्ध रहेगा इस दिन। 5 तारीख को सप्तमी श्राद्ध रहेगा और इसके साथ ही सुबह 6:58 पर चंद्रमा मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। 6 तारीख को ही कालाष्टमी अष्टमी श्राद्ध और मध्याष्टमी श्राद्ध है, जिसमें आप कोई शुभ मुहूर्त करना हो अपने कामकाज का तो कर सकते हैं। 7 तारीख को अविधवा नवमी, नवमी श्राद्ध और बुध पूर्व में अस्त हो जाएंगे। तो बुध पूर्व में अस्त होने पर क्या असर हुआ सभी राशि वालों पर, इसके विषय में आपको वीडियो मिलेगा। और 7 तारीख की ही शाम 5:16 पर चंद्रमा स्वग्रही हो जाएंगे, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण जब ऋषभ में रहेंगे तब भी और जब स्वग्रही रहेंगे तब भी आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस धड़ल्ले से कर सकते हो, प्रोवाइडेडली आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखनी पड़ेगी। 8 तारीख को दशमी श्राद्ध भी है और इसके साथ ही इस सप्ताह का अंत हो जाएगा। तो चलिए, मैं कामिनी खन्ना आपसे डिस्कस करती हूँ कि पूरे सप्ताह में इन 3 ग्रहों के विषय में तो मैं चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से इनका सारा असर टोटैलिटी में क्या पड़ा मेष से लेके मीन राशि वालों के विषय में उपायों के साथ डिस्कस करती रहूँगी संक्षेप में आप सभी के लिए। मेष राशि के लिए अब देखिए
कि मंगल महाराज चले गए तुला राशि में, तो आपके लग्नेश हैं स्ट्रांग रहेंगे। इस सप्ताह से ही अपने जीवन में परिवर्तन पाएंगे, आप विवाहित जीवन में भी परिवर्तन पाएंगे और अपनी पर्सनालिटी में भी काफ़ी आप पहले से ज़्यादा आप जीवंत हैं, आपको पहले से ज़्यादा बेहतर फील होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, अपना थोड़ा सा अंदर काम करने की इच्छा जागेगी और साथ में तबीयत भी पहले से ज़्यादा ठीक होगी। अब शुक्र भी सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं, तो मानसिक जो आपकी हालत है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको एंजॉयमेंट भी सूझती है और साथ साथ आपको सूझता है काम भी, तो ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें एंजॉयमेंट भी मिले तो वो काम भी कीजिए और साथ साथ आप अपना गायत्री के जप भी करते रहें, ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करते रहें, जिससे कामकाज और पढ़ाई मेंटेन हो जाएगी। अभी फिलहाल जो शनि की पोजीशन है वो वक्री होने के कारण आपके कामकाज थोड़े से ढीले हैं, लेकिन समय आते ही 4 नवंबर के बाद ये गति पकड़ेंगे, इसलिए काम करना जारी रखें, उनको रोकें ना। और गुरु वक्री होने के कारण आपको थोड़ी सी बेचैनी है, शादी के आपके योग पूरी तरह बन नहीं रहे, आपको बड़ा काम करना है, संतान उत्पत्ति करनी है या कोई किसी भी प्रकार का धंधा बिजनेस शुरू करना है, तो उस विषय में आप थोड़ा सा बेचैन थे। अब मंगल की दृष्टि पड़ेगी गुरु पर तो ये भी सॉर्टेड हो जाएगा और मंगल अपने मित्र गुरु को बल देंगे। इसी तरीके से आगे की बात करें हम तो मंगल तुला में और गुरु जो हैं वो लग्न में, और हमने ये भी जाना कि शुक्र जो हैं वो सिंह में प्रवेश कर गए हैं और उच्च के बुध क्या करेंगे, तो वो आपका व्यवसाय बढ़ाएंगे, आपकी कल्पकता बोलने चलने की शक्ति बढ़ाएंगे, यात्राओं में आपको फ़ायदा देंगे और आप कई सारे काम एक साथ छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर कर पाएंगे। उच्च के चंद्रमा की जो स्थिति है और जो स्वग्रही चंद्रमा, उसके कारण धन संपत्ति संचित होगी, आपकी खुशियां परिवार में आएंगी, माता पक्ष से सपोर्ट, प्रॉपर्टी, वाहन का काम कर सकते हैं। वृषभ राशि आपके लिए अब देखिए लग्नेश शुक्र चतुर्थ में आए तो आप रेनोवेशन वगैरह के चक्कर में आपके माता पक्ष से अनबन ना हो, मतभेद ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आप चाहते थे कि आपका व्यवसाय में मीडिया से रिलेटेड काम बढ़े तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। आप मंगल की जो गतिविधियां हैं और मंगल का प्रवेश है जो तुला राशि में, उसके कारण शत्रुहंता योग बनता है, विदेश रिलेटेड काम होते हैं, लेकिन विवाहित जीवन में बेचैनी है, लेकिन सपोर्ट तो रहेगा, इसलिए आप घबराएं नहीं। आपके कामकाज फिर भी शनि बैठा है दशम स्थान पे तो वो ज़रूर बनाएगा, उच्च के बुध आपके माइंड को कल्पक रखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपके डिसीजंस गलत होंगे, आपके बच्चे और आप मिल के बड़ा बिजनेस काम कर सकते हैं, परिवार में खुशियां छा सकती हैं और बुधादित्य योग आपको खूब सारा सरकारी दरबारी लाभ भी दे सकता है। मंगल की गुरु पर दृष्टि अब ये कहती है आपके प्रेम संबंधों में जो बाधाएं थीं वो आप एग्रेसिव रूप से आगे बढ़ के ख़त्म कर सकते हैं और आपके खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन अब कामकाज के लिए उच्च के चंद्रमा जब लग्न में आएंगे और स्वग्रही रहेंगे तो यात्राएं शुभ हो सकती हैं, कामकाज में बढ़ोतरी हो सकती है और आपके स्व की उन्नति हो सकती है, सुंदर दिख सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम बढ़ा सकते हैं। मिथुन राशि आपके लिए अब देखिए कि कई सारे काम आपके इस सप्ताह में बनने वाले हैं, मंगल महाराज आपको एग्रेसिव बनाएंगे पैसा कमाने के लिए, केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से मुक्ति के लिए, राहु स्टैंड स्टिल है वो आपको अभी कुछ खास असर नहीं देते पैसे के लिए, थोड़ा सा पैसा वैसा रुका हुआ है, मंगल के आने से आपको ये पैसा खुल जाएगा। अब आपकी तबीयत थोड़ी सी आपको स्ट्रेस से रिलेटेड, टेंशन से रिलेटेड समस्या, इसलिए हर काम जो है सोच समझ के करना है, शुक्र भी पहले से बेहतर अवस्था में है इसलिए कामकाज तो बढ़ेगा और घर की सुख सुविधा बढ़ेगी, हेल्पर्स आपका साथ देंगे, वाहन प्रॉपर्टी खरीदने की योजनाएं बनेंगी और गुरु पर मंगल की दृष्टि कहती है कि आप कुछ ऐसा काम भी करना चाहेंगे जिसमें आपके बच्चे आपके साथ करें या आप शादी करना चाहते हैं तो भी अब सपोर्ट है आपको गुरु का, क्योंकि उनके मित्र देख रहे हैं। बुधादित्य योग आपके लग्नेश चतुर्थ में आपको बड़ा फायदा हो सकता है माता पक्ष से और खुद की हिम्मत से, तो आप अपनी हिम्मत को कायम रखें। स्वग्रही चंद्रमा से धन लाभ हो सकता है, उच्च के चंद्रमा से प्रेम संबंध अच्छे हो सकते हैं, विदेश रिलेटेड काम
हो सकते हैं खर्चे भी आपके आपको बुरे नहीं लगेंगे, खलेंगे नहीं। कर्क राशि, स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के चंद्रमा धन लाएंगे, सुंदरता लाएंगे, खूबसूरती लाएंगे, खुशियां लाएंगे और ये सप्ताह आपको बहुत ही शुभ जाने वाला है। मंगल के भी जो आपका जो बहुत कारक है चतुर्थ में आने से आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कई सारे नौकरी पेशा हैं या आप आर्मी में हैं, पुलिस में, जो काम आपके इंक्रीमेंट वगैरह स्थगित हो गई थी या रुक गए थे वो काम आगे बढ़ेंगे। लेकिन माता पक्ष की तबीयत संभालना और घर में झगड़ेबाजी नहीं करेंगे तो आपका कामकाज खूब बुधादित्य योग भी बढ़ाएगा और आपके कई सारे विदेश रिलेटेड काम, विद इन इंडिया काम भी बनते नज़र आते हैं मुझे। अब शनि जो हैं वक्री हैं तो तबीयत से रिलेटेड जितनी समस्याएं आपको छोटी मोटी हैं, बड़ी नहीं होंगी, याद रखें आपको शनि कुछ बुरा नहीं करेंगे। इस बार कर्क राशि वालों की ढैया उनको फ़ायदा दे रही है। मंगल की गुरु पर दृष्टि आपको शुभ अवसर देती है एक बार फिर कामकाज को बढ़ाने के लिए और विवाहित जीवन में कलह क्लेश से बचने के लिए सावधान करती है। शुक्र सिंह राशि में बैठ के थोड़ा सा परिवार में मनमुटाव या बेचैनी तो कर सकते हैं, लेकिन द्वितीय में शुक्र खराब नहीं होता इतना जानिए। आपकी माँ के घर का स्वामी है, घर परिवार को संभाले हुए हैं आपकी माँ और आगे भी संभालेंगी, आपकी लकी चैम होती हैं वो। सिंह राशि, आपके लिए लग्नेश हैं सूर्य और वो बुधादित्य योग बना के द्वितीय स्थान पर बैठे हैं। धन संपत्ति बोलने चालने के बिजनेस से आएगी, कामकाज बढ़ेगा, आपके घर में परिवार में एक प्रकाश आएगा कि हाँ हमारा अच्छा हो रहा है और आपके कुछ काम जो उच्च के चंद्रमा से स्पेकुलेशन या ट्रेड मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थे, विदेश रिलेटेड थे, तो वो स्वग्रही चंद्रमा से उस सब बन सकते हैं। उच्च के बुध, बुध आपके लिए पैसा, तो धन की मात्रा प्रचुर मात्रा में कहीं ना कहीं से बड़ी आ सकती है और बुधादित्य योग से आपको फायदा हो सकता है किसी बड़े ओहदे से। अब ये भी समझिए कि ये गुरु मंगल का जो योग है समसप्तक जो आमने सामने देख रहे हैं उससे भी आपको अब एग्रेसिव रूप से काम करने की इच्छा होगी। शनि महाराज वक्री हैं लेकिन वक्री शनि आपका कुछ बुरा नहीं कर रहे, बस विवाहित जीवन के जोड़े की तबीयत का ध्यान रखें। और जो गुरु महाराज हैं वो आपको मानसिक बेचैनी जो पहले बहुत दे रहे थे अब कम हो जाएगी और विद्या अध्ययन पढ़ाई प्रशस्त होगा मार्ग, आपके बच्चों का, आपका, आपके मित्रगण आपकी सहायता करेंगे और व्यवसाय में तेजी आ सकती है। कन्या राशि, लग्नेश बुध लग्न में बुधादित्य योग और क्या चाहिए, और मंगल द्वितीय में तो मंगल भी एग्रेसिव रूप से केतु के साथ बैठे हैं और गुरु को देखते हैं तो गुरु जो अष्टम भाव में एकदम तकलीफ में थे अब वो आपको कई सारी तकलीफों से निकालेंगे। आपके राहु की भी क्षमता अब कम हो गई है तो राहु पर मंगल की दृष्टि भी है, अब अपने घर पर मंगल की दृष्टि है तो मंगल अपने घर का अच्छा करेंगे। आप अपने जो भी विवाहित जीवन व्यवसायिक पार्टनर के साथ बिगाड़ चुके हैं उसको, संबंधों को अच्छा कीजिए। मानसिक स्ट्रेस होता है आपको तो महामृत्युंजय के जाप कीजिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि पढ़ाई अध्ययन में आपकी उन्नति होने वाली है। आपके गुरु महाराज जो हैं वो आपको अब शादी के योग तो नहीं लाए, लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूं कि जो शुक्र की स्थिति है वो प्रेम संबंध बना सकती है लेकिन गलत, इसलिए अगर आपके कोई अभी नए परिचय बनते हैं तो ध्यान रखिएगा। स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के चंद्रमा कामकाज में उन्नति, पैसों से लाभ, केसेस विवाद से मुक्ति और आपके लिए पैतृक संपत्ति से लाभ लाती है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
तुला राशि लग्नेश शुक्र अब आपके लाभ स्थान में बहुत अच्छी स्थिति है। केसेस विवाद से मुक्ति पैसा आना आपके कहीं न कहीं से एकादश में शुक्र होने के कारण आपके माइंड में मीडिया से रिलेटेड काम करने की भी इच्छा है वो भी कर सकते हैं आप। बच्चों की उन्नति आपकी भी स्व की उन्नति और मीडिया से रिलेटेड आर्ट से रिलेटेड खूबसूरती से रिलेटेड कोई भी काम आप बड़ा शुरू कर सकते हैं। आपके तबीयत थोड़ी संभालने की आपको ज़रूरत है। प्रजनन अंगों से रिलेटेड विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर आपके जो हैं पहले से काफ़ी अच्छा आपका संबंध हो जाएगा उनके साथ और आप जो पहले बहुत परेशान थे उनको लेकर वो भी समस्या घर परिवार की खत्म होगी। स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के चंद्रमा आपको प्रकाश डाल देते हैं कि कामकाज शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कैसे करना है और आप थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। पिता की तबीयत ठीक होती है अपनी खुद की भी तबीयत आपकी बेहतर होती है। अब ये जो सूर्य बुधादित्य योग बनाते हैं बुध के साथ द्वादश भाव में तो विदेश रिलेटेड काम भी बनते हैं प्रेम संबंधों से फ़ायदा होता है और आप कई सारे काम ऐसे भी कर सकते हैं जो आप करना चाहते थे एडमिशन्स वगैरह से रिलेटेड तो वो फॉरेन वगैरह में वो भी कर सकते हैं। अभी शनि वक्री हैं माइंड थोड़ा आपका स्ट्रेसफुल है फिर भी आपसे मैं कहूँगी कि आप दुर्गा माँ की काली की आराधना करते रहें शांति सुख शांति महसूस होती रहेगी। माता पक्ष की तबीयत संभालें। वृश्चिक राशि लग्नेश मंगल अब बदल चुके हैं द्वादश में आए आपको चिड़चिड़ा ना बनाए बेचैन ना बनाए झगड़े ना हो इसका ध्यान रखें आप तो बाकी शत्रुघ्नता योग भी बनेगा लोन्स भी मिलेंगे बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हो जाएंगे। शुक्र अपना कर्तव्य दिखाएंगे और आपका मीडिया से रिलेटेड काम भी हो जाएगा या आपको कोई आर्ट खूबसूरती से रिलेटेड काम करना है वो भी बनेगा। बुधादित्य योग भी आपके लिए पैसा लाएगा और आपको हर प्रकार से आश्वस्त करेगा केसेस विवाद या आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड बातों के लिए। यात्राओं में जाएं तो सावधानी बरतें और अपनी तबीयत का ध्यान रखने के लिए खाना पीना दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं। अभी जो गुरु बहुत परेशान थे तो मंगल की दृष्टि से थोड़ा सा आश्वस्त होंगे और पहले से थोड़ा स्थिर होंगे तो माइंड भी थोड़ा शांत होगा। स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के चंद्रमा आपको विवाहित जीवन से बड़ा फायदा और आपके बड़े कामकाज करवा देता है जिसमें आपको पैसों से रिलेटेड फ़ायदा हो जाए। आप वेट कर रहे थे कुछ अपना माल बेचने की तो वो भी काम होगा ज़रूर। धनुराशि लग्नेश गुरु एक ऐसी मस्त अवस्था में अब आ जाएंगे जिसमें राहु का असर कम हो जाएगा। राहु तो धीमे धीमे निकल ही रहे हैं लेकिन मंगल की दृष्टि से अब आप पहले से बेहतर कामकाज अपने लिए कर पाएंगे सोच पाएंगे नेकनामी होगी और जो आपके घर में बैठ गए थे माँ की तबीयत खराब थी पहले से बेहतर होगी। यात्रा पर निकलेंगे तो मज़ा आएगा और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बड़े बड़े काम अभी करवाएगा। कार्ड्स पर हैं आपके धार्मिक स्थलों पर भी आपके विजिट हो सकते हैं और जो स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के चंद्रमा तबीयत को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार लोन्स वगैरह पास होने में भी उनसे मदद मिल सकती है आपको। अभी जो शनि की स्थिति है वो वक्री होने के कारण आपको बड़ा फायदा जो चाहिए वो हाथ में नहीं आ रहा तो 4 नवंबर तक रुकिए उसके बाद सब बड़ा बड़ा काम भी आपका हो सकता है। प्रेम संबंध जो बहुत ही बिगड़े हुए थे पहले से बेहतर होंगे और अब आप सोचिए कि आपको क्या डिसीजन लेना है बिकॉज सब कुछ आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। मकर राशि मकर राशि के लिए लग्नेश शनि बेचैन है क्योंकि लग्न पर दृष्टि है मंगल की हालांकि मंगल की उच्च की दृष्टि होती है इसीलिए मंगल यहाँ स्ट्रांग हो रहे हैं आप अपनी तबीयत खराब होने से बचाएं। हालांकि मंगल आपको फ़ायदा भी देंगे कामकाज में प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी नौकरी से रिलेटेड लेकिन आप फिर भी मंगल की दृष्टियों से थोड़ा सा बच के रहें। लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखें कि मंगल आपका विरोधी ग्रह है माता पक्ष से सपोर्ट घर की बेचैनियाँ खत्म और साथ में आपका बुधादित्य योग आपको बड़े बड़े काम ऑफर करेगा मंगल भी ऑफर करेगा बुधादित्य योग भी ऑफर करेगा तो आप अपने कामों पर डटे रहिए तबीयत थोड़ी संभालते रहिए और साथ साथ में आप काली की आराधना करते रहें। स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के चंद्रमा
मानसिक शांति लाएंगे ढाई ढाई दिन के लिए, और विवाहित जीवन से सपोर्ट और अपने प्रेमी से सपोर्ट भी कार्ड्स पर दिखता है, मित्रों से सहयोग दिखता है। और शुक्र की स्थिति जो अष्टम में चली गई उसके कारण आपको प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याओं से निकलना है हर संभव कोशिश करके। कुंभ राशि, लग्नेश शनि लग्न में लेकिन मार्गी नहीं है, वक्री हैं। बाकी के ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं इस बात की मुझे खुशी है, लेकिन अष्टम में है बुधादित्य योग तो बहुत बड़ा फायदा यहाँ नहीं होने लगा, लेकिन व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, ससुराल पक्ष के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अभी भाग्य शुक्र आपके सप्तम में तो वहाँ स्थान बली रहते हैं, विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन का पार्टनर वैसे भी बुध के कारण सपोर्ट करने को तत्पर है, तो उनके साथ मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं आप। मानसिक बल रहेगा आपको, और सोच गलत हो तो आप सलाह ले सकते हैं अपने मित्रों की, जिससे आपको सही सलाह मिलेगी। अब मंगल की जो दृष्टि है गुरु पर, उससे काफ़ी कुछ बदलेगा पहले से चित्र, और आप धन कमाने की और साथ साथ धन को कैसे लाना है इसके विषय में भी सोचेंगे। आपके शनि वक्री होने के कारण और मकर राशि पर दृष्टि होने के कारण मंगल की अनाप शनाप खर्चे ना हो, प्रेम संबंध खराब ना हो, इस पर भी ध्यान देना है आपको। स्वग्रही और साथ में उच्च के चंद्रमा वाहन ला सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इस बात का सुनिश्चित कार्यक्रम आपके दिमाग में खाका तैयार करेंगे, और आप बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी ढाई दिनों में कर सकते हैं जब स्वग्रही चंद्रमा कर्क के चंद्रमा हो, और आप कर सकते हैं लोन्स वगैरह लेने का काम या चुकता करने का काम। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्नेश गुरु जो हैं वो वक्री हैं और वो बैठे हैं राहु के साथ, लेकिन अब एक अच्छी स्थिति ये है कि मंगल देखने लगा उनको, हालांकि मंगल अच्छा कर्तव्य नहीं दिखा रहा, अष्टम में बैठ के ब्लड प्रेशर और तबीयत से रिलेटेड समस्याएं देता है, केतु के साथ है, अग्रेसिव रूप से आपको थोड़ा सा थकान देता है काम ज़्यादा करने से, और आपके ससुराल पक्ष से भी आपको बेचैनी दे सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा उत्साही हो गए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, परिवार से फिर भी आपको जो बिल्कुल सपोर्ट कट गया था वो अब थोड़ा बहुत होने जा रहा है। मंगल की जो गुरु पर भी दृष्टि है उससे काफ़ी चित्र बदलेगा और काम काज आपका थोड़ा थोड़ा रिड़ना शुरू हो जाएगा आगे, जिसको आगे चल के बहुत गति मिलेगी। और शनि महाराज भी नवंबर में जब मार्गी होंगे तब आपको पैसा देंगे अपने कार्यों से, और उतना ही बड़ा खर्चा सामने लाकर खड़ा कर देंगे। बुधादित्य योग विवाहित जीवन के सपोर्ट और व्यवसायिक पार्टनर और आपकी माता पक्ष से सपोर्ट से प्रॉपर्टी लेना, वाहन खरीदना, बिजनेस खड़ा करना, ये सब काम आप बिंदास्त कर सकते हैं। स्वग्रही चंद्रमा उच्च के चंद्रमा यात्राओं पर ले जा सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड योग्य निर्णय ले सकते हैं, बच्चों की शादियों के लिए, पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए, अपनी अध्ययन पढ़ाई के लिए आपको सहयोग मिलेगा और निर्णय भी होगा आपके, ये भी निर्णय हो जाएगा कि आपके मित्रगण आपका कितना साथ देते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हुआ साप्ताहिक ग्रह गोचरीय व्यवस्था का, फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें ताकि व्यवसाय बढ़े, पोल्यूशन कम होगा तो देश में जो बीमार हो रहे हैं लोग वो कम बीमार होंगे। राहु केतु शनि की शांति के लिए बुजुर्गों की, माता पिता सास ससुर की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।